गुड मॉर्निंग एवरी वन। टूडे वी रीड चैप्टर फर्स्ट द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स। आपको प्रीवियस लेक्चर में पोलर रीजन के बारे में बताया गया था कि ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाले जानवरों के ऊपर फर लाइक स्ट्रक्चर होता है। कुछ जानवरों की स्किन जो होती है वो बहुत थिक होती है, मोटी होती है, और उनके ऊपर फर लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है, पर उनकी जो लेयर होती है स्किन की वो बहुत थिक होती है, ताकि वो वहाँ ठंडे क्षेत्र में रहने के लिए खुद को उपयुक्त रखते हैं। Their bodies are covered with fur. Most of the animals have a thick layer of fat beneath the fur, which keeps them warm. जो उनकी बॉडी के ऊपर फर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, और साथ ही जो उनकी मोटी स्किन की लेयर होती है वो उन्हें वहाँ ठंडे क्षेत्रों में गर्म रखने के काम आती है। Many animals live in groups to protect themselves from the cold. बहुत सारे जानवर जो होते हैं वो समूह में रहते हैं ताकि वे ठंड से खुद को बचा सकें। जब वो समूह में रहते हैं तो एक दूसरे की हीटिंग की वजह से उनको वहाँ पे सर्दी से राहत मिलती है। पेंगुइन, पोलर बियर, सील, स्नो आउल, वॉलरस, आर्कटिक हेयर एंड आर्कटिक फॉक्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ एनिमल्स फाउंड इन पोलर रीजन। ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवरों के कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, लाइक पेंगुइन, पोलर बियर, सील, स्नो आउल, वॉलरस, आर्कटिक हेयर एंड आर्कटिक फॉक्स। ये सभी एनिमल्स पोलर रीजन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक एंड पेज नंबर 5, ओशियन। ओशियन मीन्स सागर। एन ओशियन इज अ वास्ट एंड कंटिन्यूस बॉडी ऑफ सलाइन, इट मीन्स सॉल्टी वाटर। खारे पानी का विशाल और निरंतर बहने वाला भाग जिसे हम सागर कहते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट हैबिटेट ऑन द अर्थ। यह पृथ्वी पर एक विशाल आवास की तरह है। अ लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल्स आर फाउंड हेयर। एक विशाल आवास की तरह है तो यहाँ पर एक बड़ी संख्या में विविध प्रकार के जानवर भी पाए जाते हैं। Some of them are whale, dolphin, seal, seahorse, and octopus. These animals are well adapted to live in salty water. ये सभी जीव जंतु सागर में पाए जाते हैं। ये जानवर खारे पानी में जीने के लिए अनुकूलित हैं, क्योंकि इनका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होता है ताकि इन्हें खारे पानी में रहने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो ये जानवर खारे पानी में रहने के लिए खुद को उपयुक्त रखते हैं, अनुकूलित है उनकी बॉडी वहाँ रहने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर इज नेचुरली अकरिंग वाटर ऑन द अर्थ सरफेस। ताज़ा पानी जो है ये पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। इट कंटेन्स मिनिमम क्वांटिटीज ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट। इसमें लवणों की न्यूनतम मात्रा होती है। सम एग्जांपल्स ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटेट आर पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स ईटीसी। This kind of habitat gives shelter to numerous animals like fish, frog, salamander, toad, duck, swan, crane and a number of insects. ताजे पानी के आवास के आपको उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि तालाब, झील,
नदी, जलधारा, इन सभी में ताज़ा पानी पाया जाता है। और जो नीचे आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ये सभी असंख्य जानवरों को रहने के लिए आवास प्रदान करता है। जो ताज़ा पानी के आवास होते हैं, जैसे कि तालाब, झील, नदी, जलधारा, ये सभी असंख्य जानवरों को रहने के लिए आवास प्रदान करते हैं, ये उनका घर है। नीचे आपको एक्सरसाइज दी गई है जो मैंने फिल करा दी थी। नेम द हैबिटेट टू विच दीज एनिमल्स बिलोंग। आपको नीचे कुछ एनिमल्स के नेम दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये एनिमल्स किस हैबिटेट में रहते हैं, इनका आवास कहाँ है, किस क्षेत्र में है। लाइक फर्स्ट पेंगुइन, सील, पोलर बियर, ये कहाँ रहते हैं? यस, पोलर रीजन में, ध्रुवीय क्षेत्र में। सेकंड, स्वान, फ्रॉग, सैलमेंडर, ये कहाँ रहते हैं? फ्रेश वाटर में, इनका हैबिटेट है फ्रेश वाटर। थर्ड वन इज सी हॉर्स, ऑक्टोपस, व्हेल, ये सभी कहाँ रहते हैं? ओशियन में, इनका हैबिटेट ओशियन है। नंबर फोर, कैमल, स्कॉर्पियन, बैंडिकॉट, ये कहाँ रहते हैं? यस, डेजर्ट में, इनका हैबिटेट डेजर्ट है। आपको कुछ नॉलेज बैंक में भी दिया गया है। द वेट ऑफ अ बर्ड्स फेदर इज मोर देन दैट ऑफ इट्स स्केलेटन। चिड़ियों का जो पूरे शरीर का ढांचा होता है, जो बॉडी का स्केलेटन होता है, उससे भी कई ज़्यादा वेट उनके फेदर्स, पंखों का होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बॉडी कवरिंग। आपको बॉडी कवरिंग के बारे में बताया गया है कि किस पक्षी या जानवर के ऊपर किस तरह का आवरण होता है। इन ऑर्डर टू एडजस्ट टू द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑफ द हैबिटेट, एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी कवरिंग्स। आवास से संबंधित विभिन्न प्रकार की वातावरणीय या पर्यावरणीय स्थितियों से सामंजस्य या तालमेल करने के लिए जानवरों में विभिन्न प्रकार की शारीरिक संरचनाएं होती हैं, जिसके थ्रू वो वहाँ रहने के लिए उपयुक्त तो होते हैं और वह सर्वाइव कर पाते हैं, जो कि आपको नीचे दी गई हैं। द बॉडी ऑफ बर्ड्स इज प्राइमेरली कवर्ड विद फेदर्स। चिड़ियों का शरीर पंखों से ढका हुआ होता है। फेदर्स कीप देम वॉर्म एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम मॉइस्चर। पंख उन्हें गर्म रखते हैं और उनकी नमी से रक्षा करते हैं। दस दे हेल्प इन मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर। इस तरह वे अपने शरीर के तापमान को बराबर रखती हैं, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। दे ऑल्सो हेल्प बर्ड्स इन फ्लाइंग। पंख पक्षियों की उड़ने में भी मदद करते हैं। आप सभी को पता है ये पिक्चर बनी हुई है किसकी है ये? यस, स्पैरो की।